अप्रैल फुल है ही क्या? बिना थोड़ा टॉयलेट वाले मजाक के कोई हेज़लनट स्प्रेड लेगा? गंदा। कोई सरप्राइज के लिए तैयार है? आह, ये बेहतर है। हाँ, हे मेरे भगवान, क्या ये वही है जो मैं सोच रही हूँ? एक सेकंड रुको, जरूर इसके पीछे सोफिया है। मैनिक्योर नाइट जोरों शोरों से चल रही है। क्या वर्कआउट था? दोबारा से मैनिक्योर? ये बुरा है केविन। क्या इस लड़के को कभी तमीज आएगी? ये समय इसे सबक सिखाने का। हाँ। लगता है तुम थोड़ी देखभाल के लिए तैयार हो। तुम्हारी वैक्स होनी चाहिए। क्या कभी पर्सनल स्पेस के बारे में सुना है लिली? अब क्या होगा? इससे निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है दोस्त। ओहो, बस इसे बैंडेड की तरह खींच दो। मेरी लात। ये परिस्थिति थोड़ी मुश्किल थी। क्या आप वापस अपने नाखूनों पर काम करें? ये तुम्हारी बारी है सोफिया। मुझे तुम्हें मारना होगा। नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। आउच, ये सिर्फ मजे के लिए है, ठीक है? मुझे तुम्हारे लिए केक बनाना होगा। ठीक है, मुझे ये गेम नहीं पसंद। केक का एक स्लाइस आने वाला है। ये कार्डबोर्ड को देखो। क्या सोफिया को इसका टेस्ट पसंद आएगा? इस यम्मी प्रैंक के लिए इस तरह के ट्रायंगल्स में कार्डबोर्ड को काटी। अब इन्हें केक के ऊपर रखें। बस इतनी लेयर्स काफी है ताकि कार्डबोर्ड ना दिखे। इसके ऊपर नकली फ्रॉस्टिंग लगाएं ताकि ये फिलिंग की तरह लगे। क्यूटिप से इसे फैलाएं। बहुत बढ़िया। अब इसे ऊपर लगाएं। अब थोड़ी फूड कलरिंग डाली। हम इलेक्ट्रिक ब्लू रंग डाल रहे हैं। रेनबो स्प्रिंकल्स मत भूलना और ऊपर एक चेरी। देखने पर अच्छा लगता है। अच्छा काम किया शेफ। वाह, ये सब मेरे लिए? ये बहुत अच्छा है। चलो अब इसे टेस्ट करो। ये क्या है? ये कार्डबोर्ड के मोड में है। बिल्कुल मेरा फर्ज था। सामान आ गया। अब इसे बाहर रखो। ओह, मेरी मनपसंद चीज। लिली से दूर ही रही। लेकिन सबसे पहले समय है कुछ नमकीन का। हो, मुझे पता था नाश्ता स्किप नहीं करना चाहिए था। कुछ खाने को चाहिए। नहीं है, हमारे पास आइसक्रीम है। सोफिया और उसके गुस्से वाली नोट्स। मुझे इससे पहले कभी फर्क ही नहीं पड़ा। मीठी मीठी चीज, मैं आ रही हूँ। हो, ये बहुत अच्छी है। तुम एक डेट डाल रही हो लिली, पर इस आइसक्रीम से ये बहुत अच्छी है। पर इतनी अच्छी आइसक्रीम के साथ रुकना तो मुश्किल है। ओ, मैंने तो सारी खत्म कर दी। मैं इसे कैसे छुपाऊं? पोटैटो फ्लेक्स,
ये जरूर काम करेंगे। सोफिया इस पर ध्यान भी नहीं देगी। इससे कंटेनर में थोड़ा भार आएगा, खासकर जब आप इसमें पानी डालते हैं, तो इसमें क्रीमी टेक्सचर आता है। ये आइसक्रीम की तरह दिखने वाला है ना? फूड कलरिंग काम करेगी और इलेक्ट्रिक ब्लेंडर इसे और आसान बनाएगा। और इसी तरह से आपका काम हो गया। ओह, और एक और चीज। बढ़िया, लगता है ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मुझे यहाँ से जाना चाहिए। हाँ, ये आइसक्रीम का समय है और लिली ने बात भी मानी। क्या ये मीठी नहीं होनी चाहिए थी? ये ब्लूबेरी की तरह तो बिल्कुल नहीं लग रही। लिली! वाह, सोफिया का मेकअप बहुत अच्छा लग रहा है। शायद मैं खुद चुरा सकूं। वो! उप्स, मैं इसे गिराना नहीं चाहती थी। शायद तुम्हारा सामान ठीक है। ओह, ये बिल्कुल खराब हो गया और गंदा भी। मुझे माफ करना सोफिया। मेरा हाथ देखो, मैं आती हूँ। एक सेकंड रुको। लिली रुको, पहले मुझे जाने दो, ठीक है? मैं इसके लिए उससे बदला लूंगी। ये साबुन देखा, अब ये इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जब इस पर हम क्लियर नेल पॉलिश लगा देंगे तो ये बिल्कुल भी सोपी नहीं बचेगा। अब अपने हाथ धोकर दिखाओ लिली और मुझे प्रैंकिंग मास्टर कहना। अब तुम जा सकती हो दोस्त। ये चीज तुम्हारे त्वचा पर जरूर रह जाती है। क्या ये हट क्यों नहीं रहा? इससे पहले यहाँ सोफिया थी। हाँ, उसने इसे पेंट कर दिया है। आप अप्रैल फूल्स डे कैसे मनाते हैं? इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें प्रैंक्स पसंद है, और 123 को के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह के और भी मजेदार वीडियोस के लिए।